नमस्कार, मैं हूं नामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा के सिल फाटा इलाके में आज सुबह एक निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने से 5 लोग घायल हो गए हैं। यह इमारत अग्निशामक दल के लिए बनाई जा रही थी। दरअसल कुछ महीने पहले ही इस जगह की भूमि पूजन की गई थी और इस जगह पर अग्निशामक दल की इमारत बनाई जा रही थी। इस अग्निशामक दल इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गजानंद कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, मगर आज स्लैब डालने के दौरान ये हादसा हो गया। ये फैब्रिकेट है, अग्निशामक दल उसका है। वो 4-5 महीना पहला इधर ओपनिंग किया था। माननीय महापौर भी आई थी भूमि पूजन करने के लिए, आमदार साहब सुभाष जी भोईर साहब ये भी आए थे और बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी उपायुक्त भी थे। और ये 4-6 महीना पहला भूमि पूजन किया था। किसको दिया है कॉन्ट्रैक्टर को ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना निकृष्ट दर्जे का काम अगर करेगा और ये काम चालू में ऐसा अगर गिरेगा तो आगे जाके क्या होगा ये अभी जाने। ये थाने म्यूनसिपलिटी का काम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अलग है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, ये अच्छा काम नहीं है इसलिए तो गिरा है। लेकिन इसके लिए म्यूनसिपलिटी का जो अधिकारी है उसकी भी ये जवाबदेही है कि कौन से हिसाब से ये काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर लोग ये देखते हैं, प्राइवेट इंजीनियर भी देखते हैं और म्यूनसिपलिटी के इंजीनियर भी देखते हैं। ये उसने देखना चाहिए था कि ये काम कौन से दर्जा का हो रहा है। और मैं पब्लिक इधर का भी क्या करेगा ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा निकृष्ट दर्जा का काम अगर होगा तो ये लोगों के जीवित के लिए धोखा है। आज ये जो काम गिरा है वो मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन मेरे वार्ड में भी नहीं होगा, लेकिन थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे किधर भी होगा तो भी नगर सेवक लोगों की जवाबदारी है, मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन ये मेरा वार्ड नहीं है, 33 वार्ड नंबर है मेरा, 29 नंबर वार्ड है। ये रास्ते के ओ बाजू में मेरा वार्ड है और रास्ते में के पश्चिम में वो 33 है। तो मेरी इतना जवाबदारी नहीं बनती, लेकिन मेरा एक फर्ज है कि मेरे एरिया में मेरे बाजू में ये ऐसा हादसा हुआ है तो उधर मेरे को हाजिर होना गरज है। मेरे को 2-4 लोग ने फ़ोन किया तो मैं तुरंत आया, पुलिस वाला भी आया है। मैंने तुरंत इधर के उपायुक्त है मनीष जोशी साहब उसको भी फ़ोन पे बात किया है, उधर महापालिका का सचिव बुरकुले साहब है उससे भी बात किया है और वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। 2-3 लोगों को मार लगा है ऐसा मेरे को मालूम पड़ा, ये तो मेरे को देखने को नहीं मिला, लेकिन ये गंभीर जख्मी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वही जो कॉन्ट्रैक्टर था जो कौन था वो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि ये मेरा वार्ड का काम न होने के कारण मैंने इसका जानकारी लिया नहीं है। लेकिन उसने खुद ने हॉस्पिटल में लेके गए, वो प्राइवेट में लेके गए कि सरकारी लेके गए ये तो मालूम नहीं। उनकी तुरंत चौकसी होना चाहिए और जो कोई ठेकेदार है या अधिकारी है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा होना चाहिए। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए व्यक्तियों के नाम अशोक राठौर 25 वर्षीय, रमेश चौहान 22 वर्षीय, संतोष चौहान 20 वर्षीय, वहीं महेश चावला 24 वर्षीय को सिर में चोट लगने की वजह से आईसीयू में भर्ती किया गया है। जिस तरह से इस इमारत का स्लैब गिरा है उससे इस इमारत के निर्माण कार्य पर कई सवाल खड़े होते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।